भाई जहां पर अब तक टमाटर के रेट ने आम आदमी को परेशान किया हुआ था, वही मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि ये जो वो तस्वीरें दिख रही हैं आपको जिस चीज की हैं, आप कमेंट करके भी बता सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये है मोटी काली इलायची और इसके दाम जो है कितने बढ़ गए, सुन के हैरान हो जाएंगे। 1000 रुपए किलो होलसेल का रेट हो चुका है, जहां पर ये कभी 700 रुपए किलो बिकती थी, अब ये हो चुकी है 1000 रुपए किलो। इतनी महंगाई टमाटर के बाद सीधी मसालों में, और आपको मैं आज ऐसी शॉप पर लेकर जा रही हूँ जो कि मसालों के नाम पे सबसे ज्यादा मशहूर है, इस सार की जो है ये सबसे मशहूर दुकान कही जाती है, भयाना मसालों की दुकान, जहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि किन किन चीजों ने जो है किन मसालों ने सबसे ज्यादा रेट बढ़ाए हुए हैं, जिसके चलते जो है अब आम आदमी सिर्फ टमाटर से ही नहीं बल्कि मसालों से भी परेशान हो चुका है। और आपको बता दूं भाई, मसालों का राजा जिसे हम हल्दी मिर्च कहते हैं, उसने भी आसमान छू लिया है, क्योंकि अब उसका रेट जहाँ 110 रुपए किलो होता था, वो अब पहुंच चुका है 150 से 160 रुपए किलो। वही हमारे साथ बाऊजी भी मौजूद हैं, जिनको आप बहुत जानते भी होंगे, और इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इस बार ये मसालों के रेट को इन्होंने आग कैसे लगा दी है। बाऊजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार आपके दर्शकों भी, नमस्कार। भाऊजी ये बता दीजिए कि इन काली मिर्च जो सौंफ है, हल्दी है, इसने इतने रेट क्यों बढ़ा दिए हैं? इसके रेट बढ़ चुके हैं, पहले जो आज आप ही लगा लीजिए, जीरा तो पहले ही इतना तेज हो चुका था कि मतलब आसमान छू चुका था। आसमान क्या छू चुका था, जीरा हीरा बन गया था। अच्छा हाँ, अब जीरा तो चलो स्टेबल हुआ है, स्टेबल क्या हुआ, कम तो हुआ नहीं पर रुक गया एक जगह जा करके। और फिलहाल आज की डेट के अंदर हल्दी और बड़ी इलायची ने एकदम से तेजी पकड़ लिया है। हाँ। आज से जो 10 दिन पहले हल्दी का रेट होलसेल रेट 100 रुपए किलो होता था, आज उस हल्दी का होलसेल रेट 150 रुपए किलो हो गया है। अच्छा। और जो बड़ी इलायची का आज से एक हफ्ता 10 दिन पहले 750 रुपए किलो रेट होता था, आज उसको उसका रेट 1000 रुपए किलो हो चुका है। अच्छा, ये बता दीजिए कि एक जो जीरा है वो पहले तो अब स्टेबल हो चुका है, जैसे अभी आपने मेरे को बताया है, रेट कम नहीं हुए पर रुक चुका है, मतलब तेजी नहीं है अभी। धनिया भी जो है काफी अहम माना जाता है, उसका क्या रेट चल रहा है? धनिया का रेट पहले से 20% के आसपास, मतलब 20 रुपए किलो की तेजी आ चुकी है इसी हफ्ते के अंदर अंदर। और सौंफ देख लीजिए, सौंफ पहले 130 रुपए किलो होता था, सौंफ 130 रुपए किलो होता था, आज उस सौंफ का रेट 390-400 रुपए किलो हो चुका है, जो 130 रुपए किलो आज से 6 महीने पहले होता था। चलिए बातचीत कर लेते हैं भाई, अचार का मौसम है, आम का अचार जो है सब लोगों को खाना भी पसंद है और इस सीजन में सबसे ज्यादा बनाया जाता है, तो उसका रेट क्या चल रहा है, राई जो उसके अंदर डलती है? राई का रेट पहले आज से लगा लीजिए, महीना डेढ़ महीना पहले ही 120-110 रुपए किलो रेट होता था राई का। अच्छा। आज उस राई का रेट 200 रुपए किलो होलसेल रेट हो चुका है, रिटेल रेट नहीं कर रहा मैं बात किसी भी रेट की, किसी भी आइटम के रेट की, रिटेल रेट की बात नहीं कर रहा, होलसेल रेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई, मतलब कि अब सारे मसाले लगातार महंगे ही होते जा रहे हैं, क्या ये क्या लगता है ये कब तक रेट कम होंगे इनके? ये रेट अब कम होने वाले नहीं है, क्योंकि मसाले की आइटम लगभग सारी तेज हो चुकी है और तेज होती जा रही है, रुक नहीं रही है, तो ये तेज ही रहेंगी। चलिए एक बार मेरे को जो मेरे दर्शकों को भी आप एक बार रेट जो है यहाँ से बता दीजिए, ये सौंफ देख रही हूँ इसका रेट बता दीजिए। सौंफ का रेट है 390 रुपए किलो। अच्छा भाई दर्शकों देख लीजिए, अब मसालों ने जो है आसमान छू लिया है, जहाँ सौंफ कभी 130 रुपए किलो मिलता था, वो अब 380 रुपए किलो बिक रहा है। बात कर लेते हैं इसकी धनिया की, धनिया का क्या रेट चल रहा है? धनिया का रेट है पहले 100-110 रुपए किलो होलसेल रेट हो गया था बीच में, पहले तो ये तेज होता था, पर 110 रुपए किलो हो गया था, अब 140 रुपए किलो का रेट होलसेल रेट। अब धनिया का जो रेट है 140 रुपए किलो पहुंच चुका है। और अगर मैं बात करूं और कौन कौन सी जो चीजें हैं आपके यहाँ पर सबसे महंगी हुई हैं? सबसे महंगी तो आप ये लगा लीजिए बड़ी इलायची, जो आप ब्लैक वाली बता रहे थे ये तेज हुई है, लौंग भी पहले से 100-150 रुपए किलो तेज हो चुका है, मतलब मसाले की आइटम लगभग तेज है। हल्दी जो एक नॉर्मल आदमी को, चलो जीरा कोई नॉर्मल आदमी खाएगा नहीं खाएगा, काम चला लेगा, हल्दी जो नॉर्मल आदमी को रोज की जरूरत है, सुबह दोपहर शाम तीनों समय की जरूरत है, वो 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो का रेट होता था, वो 150 रुपए किलो का रेट हो गया होलसेल रेट। अच्छा, एक अजवाइन भी जो है सबसे ज्यादा यूज की जाती है, वो उसका रेट क्या होगा? अजवाइन का रेट 200 रुपए किलो होता था आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, उस अजवाइन का रेट 250 रुपए किलो हो गया है, इस समय आज की डेट में 250 रुपए किलो हो चुका है उसका। और काली मिर्च की बात करूँ तो काली मिर्च का रेट क्या है? काली मिर्च का 40 रुपए किलो रेट बढ़ गया है पहले से, आप ही लगा लीजिए हफ्ता 10 दिन पहले काली मिर्च आज से 40 रुपए किलो सस्ती होती थी, आज 40 रुपए किलो रेट बढ़ चुका है। यानी कि अब रेट क्या हुआ है? अब फिलहाल 580 रुपए किलो काली मिर्च का रेट है, जो 540 रुपए किलो होलसेल में हम बेचते थे इसको। भाई पूरे
हिसार वासियों को ये वीडियो इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि अब तक जो है सिर्फ टमाटर ने आम आदमी को परेशान किया था। अब जो आप ये लगातार तस्वीरों में मसाले देख रहे हैं, अगर मैं मसालों की बात करूं, हल्दी, काली मिर्च, उसके बाद मैं बात करूं जीरा, उसके बाद मैं बात करूं धनिया, उसके बाद मैं बात करूं राई, अजवाइन, इन सब के रेट जो है पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो आप जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये होलसेल के रेट है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आप रिटेल में खरीदते हैं तो इनका रेट 20% और भी ज्यादा होगा जो कि होलसेल में आपको मिल रहा है। और अगर मैं बात करूं कि ये जो भियाना मसाला है, सबसे पुरानी जो है दुकान मानी जाती है और हिसार की सबसे फेमस दुकान है जहां पर मैं आज आपको लेकर आई हूं। और ये खास अपडेट मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि यहां पर अब टमाटर से ज्यादा परेशान करने वाली चीज आ गई है जो कि आम आदमी को परेशान करने वाली है, मसाले। और मसाले में सबसे नंबर पर वन पर जो पहुंच चुकी है मोटी काली इलायची जो कि 1000 रुपए किलो होलसेल रेट में बिक रही है। और अगर मैं बात करूं एक जो आप लोग पोहा खाते हैं जो कि पहले 30 रुपए का मिलता था, 30 रुपए की जो पैकिंग आती थी, अब उसके भी रेट बढ़ चुके हैं। भाऊजी कितने रेट बढ़ चुका है? 30 रुपए किलो पोहा जो एक जादूगर का जो एक आम आदमी हर घर में डेली यूज करता है, 30 रुपए का पैकेट हम होलसेल में सेल करते थे हाफ केजी का, आज उसका होलसेल रेट हम 36 रुपए पैकेट होलसेल रेट दुकानदार लेकर के जाते हैं हमसे। एक आप मुझे रेट बता रहे थे कि तरबूज के जो बीज का रेट है उनका रेट बता दीजिए। तरबूज का मगज का रेट आज से 6-7 महीने पहले 150-160 रुपए किलो होता था, आज उस तरबूज के मगज का रेट 780-800 रुपए किलो रेट हो चुका है, जो कि मतलब एक नॉर्मल जैसे हम लड्डू खाते हैं घर पे, मिठाई में खाते हैं, मिठाई में यूज होता है, या अदरवाइज मतलब ग्रेवी वगैरह जो होटलों में ग्रेवी बनती है उसमें यूज होता है। मगज मतलब जो तरबूज हम घर में गर्मियों में यूज करते हैं उसका मगज का रेट 780 रुपए किलो होलसेल का रेट है। वहीं अगर मैं बात करूं इन मसालों की तो आपको ये बता दूं कि सबसे बेस्ट और सबसे अच्छे मसाले जो है हिसार की एक ही मार्केट में मिलते हैं और वो है गोविंदगढ़ मार्केट में भियाना मसाला जी मसाले की शॉप, और जिनके बाऊजी जो हमारे साथ मौजूद हैं और ये आपको रेट भी बता रहे हैं। और साथ ही मैं आपको मैं इनकी शॉप दिखा देती हूँ कि यहाँ पर हर तरह की वेरायटी के मसाले भी हैं। और अगर मैं बात करूँ ड्राई फ्रूट्स की या फिर जो भी इनकी जो पैकिंग है खुद के नाम से है, वहीं मैं आपको तस्वीरों में भी दिखाऊंगी कि इनकी जो पैकिंग है वो भयाना नाम से है। जी आप देख सकते हैं कि इन पैकिंग के ऊपर जो है भयाना लिखा होगा। जी हाँ, तो आप इनकी पहचान कर सकते हैं भयाना स्पाइसेस के नाम से, जिनमें इन्होंने ड्राई फ्रूट्स सभी तरह के मसाले जो है निकाल रखे हैं। और अगर बात करूं शॉप की तो ये जो है सबसे बेस्ट शॉप। और अगर मैं बात करूं लाल मिर्च, जी हाँ, ये लाल मिर्च पर भी आप सामने देख सकते हैं भयाना स्पाइसेस की ये शॉप है। और अगर आप यहाँ के मसाले लेते हैं तो आप जो है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हल्दी जो है सबसे अहम होती है हमारी रसोई के अंदर, वो भी जो है इनकी खुद की है। और अगर मैं बात करूं इस शॉप की तो आप पूरी शॉप पर एक बार नजर लगा लीजिए, इस पूरी शॉप में आपको मसाले ही मसाले दिखेंगे। और अगर आपको होलसेल रेट में जो है कुछ डिस्काउंट दे दीजिए भाई, आधार न्यूज हरियाणा पर ये लोग आपसे अगर जुड़ना चाहे तो आप उनके लिए क्या डिस्काउंट देंगे? आपके आधार न्यूज का नाम लेकर के वीडियो देख करके अगर आकर के मुझे कोई वीडियो दिखाएगा उसमें मैं उस कस्टमर को 20-25% डिस्काउंट दूंगा। भाई आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो ये वीडियो दिखाकर यहाँ पर आधार न्यूज हरियाणा का नाम लेकर आ सकते हैं और उनको ये 20% ऑफ देंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये होलसेल रेट है, अगर आप रिटेल में रहते हैं तो ये इससे कुछ ज्यादा ही मिलेगा। और अगर आप भी यहाँ पर आकर ये जो है ऑफर ग्रैब कर सकते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को दिखाकर यहाँ पर पहुंचे भियाना मसाला जो कि गोविंदगढ़ जो ये जगह है बाजार है यहाँ पर। और मैं बता दूं कि ये सबसे पुराना बाजार है हिसार का। और मैं अगर शॉप की बात करूं तो मसालों के नाम में सबसे नंबर वन पर ये शॉप आती है जहां पर आज मैंने आपको बताया कि टमाटर से भी ज्यादा महंगे मसाले और कौन सा मसाला सबसे नंबर पर पहुंच चुका है, सबसे पहले नंबर पहुंच चुका है। आप जो है वीडियो शेयर करें और देखते रहे आधार न्यूज हरियाणा, और कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताएं कि आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। और अगर आपको भी ये 20% ऑफर चाहिए तो आप जल्दी से आकर जो है ये वीडियो दिखाकर यहां से मसाले लेकर जा सकते हैं। खैर वीडियो को आप लोग शेयर करें और देखते रहे आधार न्यूज हरियाणा। फिर जुड़ती हूँ आपके साथ कुछ अलग हटके न्यूज के साथ।